दो दो करोड़ कर लेते हैं। दो दो के 18 करोड़ के जल जीवन प्रोजेक्ट में गड़बड़ी करने वाले दोषी इंजीनियर्स और फर्म पर गाज गिरने से पहले ही जलदाय विभाग और दो दो विधायक उसको बचाने की कोशिश में जुट चुके हैं। दो दो विधायक बाबूलाल नागर ने दोषी अफसर पर कार्रवाई न करने की सिफारिश क्या की। मंत्री बी डी कल्ला ने तुरंत दूसरे जांच के आदेश दे दिए, जबकि दो खपले की पहले ही जांच में जेईएन एईएन और एक्सईएन को दोषी माना जा चुका है। वहीं फर्म यादव कंस्ट्रक्शन को वर्क ऑर्डर से 3 महीने पहले ही कार्य शुरू करने का दोषी माना गया, लेकिन बाबूलाल नागर ने फर्म और इंजीनियर्स के बचाव में उतरने के बाद मंत्री ने फिर से जांच के आदेश दिए। मंत्री बी डी कल्ला ने उपशासन सचिव आरएस मक्कड़ को फिर से जांच के आदेश दिए, लेकिन मक्कड़ ने भी खुद जांच नहीं करके चीफ इंजीनियर अर्बन सीएम चौहान को 7 दिन में जांच के आदेश दिए। यानी जांच के बाद भी पूरी जांच रिपोर्ट भूल भुलैया की तरह घूम रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत के निर्देश के बावजूद भी जेजेएम चीफ इंजीनियर आर के मीणा ने दोषी इंजीनियर योगेंद्र सिंह, एईएन दीपेश चौधरी, जेईएन युधिष्ठिर मीणा को निलंबित करने और यादव कंस्ट्रक्शन फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की सलाह दी, लेकिन दोषी अफसर पर कार्रवाई करने के बजाय पूरी गड़बड़ी पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। और इस पूरे मामले को लेकर जी मीडिया सवाल पूछता है। सवाल ये कि पर्दा डालने की आखिर कोशिश क्यों की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई कब की जाएगी। विजिलेंस की जांच में ये दोषी पाए गए हैं और इन पर कार्रवाई क्यों रोकी गई है। विधायक बाबूलाल नागर की सिफारिश पर कार्रवाई क्यों रोकी गई है और जांच के आदेश क्यों देने पड़े हैं फिर से मंत्री बी डी कल्ला को, ये बड़ा सवाल जी मीडिया का।